सिद्धाशंकर मिश्रा दयालु जी, महामंडलेश्वर स्वामी अशोधानंद आशुतोषानंद जी महाराज, स्वामी अनंतानंद पुरी जी महाराज, महापौर वाराणसी श्री अशोक तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अशोक भवन जी, पूर्व विधायक डॉक्टर ज्योतिषनाथ श्रीवास्तव जी, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री मनीष कपूर जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक कैंट विधानसभा के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, कुंड्रा के लोकप्रिय विधायक चौधरी सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्या जी, वाराणसी कैंट से जुड़े थे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कार्यकर्ताओं में विचारधारा और संगठन के प्रति एक आत्मीयता का भाव जागृत हो, हम सब मिलकर के बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पर बोझा बने हुए इस विचारधारा और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ जो पार्टी देश के अंदर भारत के उत्थान के लिए, विकास के लिए और वैश्विक मंच पर मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी बृहद परिवार का एक हिस्सा बनकर के इन सभी अभियानों का हिस्सा बन सके, इस दृष्टि से एक नई प्रेरणा बने प्रधानमंत्री जी ने टिफिन बैठक की थी और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की बैठकों ने एक नई गति पकड़ी है। मैं आज की इस बैठक के लिए श्री सौरभ श्रीवास्तव को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये स्वस्थ अवसर हम सबके सामने 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत इस नई तस्वीर को भी सबके सामने रखने का एक मौका है। हम सब जान रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत आज हम सबके सामने है। 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी, परस्पर अविश्वास का अभाव था, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति अविश्वास का सा वातावरण दिखाई देता था और एक गुस्सा, एक आक्रोश सरकारों के प्रति हम सबको देखने को मिला था। बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, भ्रष्टाचार, प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था, विकास के नाम पे बंदर बांट होता था, सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य एक खतरे में पड़ी हुई थी, वैश्विक मंच पर साख नहीं बची थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सबने देखा है। यह बदलता हुआ भारत आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी मई महीने में 19 मई से 24 मई तक 6 दिवसीय
तीन देशों की यात्रा को आप सबने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपने उस पूरी यात्रा के वृत्तांत को महसूस किया होगा। वो यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास भी कराता है। वो यात्रा भारत के प्रति अन्य देशों में किस प्रकार की भावनाएं हैं इसका प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कैसे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, देर सायंकाल पहुंचे थे, वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छू करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। भाइयों बहनों, कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने समकक्ष किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान सामान्य अभिवादन से करता है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर आना, देर से आना, अभिवादन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन के लिए पैर छू करके उन्हें सम्मान देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और भारत के प्रति बढ़ती हुई सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है। पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। जापान में जी सेवन से जुड़े हुए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के उस सम्मेलन के अवसर पर दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में घोड़ थी मोदी जी से मिलने की। आपने प्रधानमंत्री, आपने राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान को देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, लेकिन जो बाइडन स्वयं इस बात को कहते हैं कि मोदी जी इच्छा होती है मैं आपका ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री जी को वहां के प्रधानमंत्री द्वारा, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा जाता है मोदी इज द बॉस, यानी मोदी जी को बॉस के रूप में उन्होंने सम्मान दिया। यानी ये भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का एक नया दृश्य हम सबको देखने को मिला। अरे पहली बार नहीं हुआ। आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारतवासी वहां फंसे हुए थे और नागरिकों को सुरक्षित निकालना था, पहली बार हुआ जो देश आपस में लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर दोनों देशों ने सीज फायर किया और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सफल हुआ। दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट होता है मोदी जी को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत अचानक नहीं आई। भाइयों बहनों, इस ताकत के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करना पड़ा। भारत को भारत के 140 करोड़ लोगों के हित के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्ष के अंदर किए, भारत की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी भारत को इस रूप में देखने को मिल रहा है। आज याद करिए, जब मोदी जी के पास भारत की सत्ता आई थी तब भारत दुनिया की 10वीं-11वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और मात्र 9 वर्ष में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले 2-3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। आपने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा, कैसे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हर भारतवासी को जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी को अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाने का अवसर प्राप्त हो,
इस प्रकार के भाव को जोड़ने का प्रयास हुआ। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, कोई दुश्मन भारत को टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है, कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है, और दुश्मन को उसकी माद में घुस करके जवाब देना भी जानता है। नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जलवा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक उलगावाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार काम कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद समाप्त, अलगाववाद पूरी तरह समाप्त, आज विकास के नए पथ पर आगे बढ़ा है, एक नया विश्वास जागृत हुआ है। देश के अंदर जो नक्सलवाद था, खात्मा होते होते जिस देश में लगभग कभी 118-120 जनपद नक्सलवाद की चपेट में हुआ करते थे, आज 3 से 4 जनपद मात्र ऐसे हैं जहां पर नक्सली गतिविधियां थोड़ा दिखाई देती हैं, बाकी सब समाप्त हो गया। विरासत के सम्मान के लिए जो कदम उठाए गए, काशी तो जीता जागता उदाहरण है। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है, उनके नेतृत्व का परिणाम है। अयोध्या में श्री राम जन्म पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत की विरासत के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में प्रगाढ़ निष्ठा है, उसका परिणाम है। केदारनाथ धाम में पुनर्द्वार का जो कार्य चल रहा है, महाकाल के पुनरुद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, देश के अंदर अलग अलग तीर्थों में उसको उसकी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्य वर्तमान में हुआ है, एक पहली बार देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो कार्य हुआ है, काशी उसका जीता जागता उदाहरण है। हाईवे, रेलवे, वाटरवे, नए नए एयरपोर्ट, 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे भारत के अंदर, और 14 से लेकर के 2022 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए। आजादी के यानी 1947 से 2014 तक केवल 6 एम्स बने थे देश में, और 9 वर्ष में 15 नए एम्स का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरह हम पढ़ चुके हैं। हाईवे की स्पीड प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे, नेशनल हाईवे देश के अंदर बन रहे हैं, लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, और पहली बार सपना साकार हो रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस भी है तो मेट्रो भी है। रोपवे का निर्माण भी हो रहा है, काशी रोपवे बहुत शीघ्र रोपवे की यात्रा करेगा। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितना कार्य हुआ ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। नए नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गांव हो या शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिली। और गरीब कल्याण की बात करना ही क्या, कोरोना काल खंड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने नागरिकों को फ्री में टेस्ट करवाया। 140 करोड़ की आबादी का भारत, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में भारत के नागरिकों को मिली, भारत के नागरिकों को। और भाइयों बहनों यही नहीं, पिछले 3.25 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी केवल भारत दे रहा है। वेलफेयर की स्कीम कैसे लागू होती है, 3.5 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आवास से ढकने के लिए आवास की सुविधा का लाभ देना, 12 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 48 करोड़ लोगों के लिए बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है, एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए, महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम, या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृवंदना योजना और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने की परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में हर वर्ष जा रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त होगा, ये पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं, इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है, ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, मोदी जी के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है, उन्होंने वैश्विक लीडर के रूप में आज उन्हें मान्यता मिली है। और काशी का यह सौभाग्य है कि देश की संसद में मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व तो मोदी जी करते हैं, और यही कारण है कि आज काशी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। G20 का समिट आज यहां वर्तमान में चल रहा है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए मंत्री हैं वे आज यहां पर आ रहे हैं, यहां रहेंगे। काशी
जगमगा रही है। एक बार फिर से जैसे देव दीपावली के अवसर पर काशी की जगमगाहट देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जगमगाहट एक बार काशी के अंदर है। इससे पहले अनेक सम्मेलन यहां पर काशी तमिल संगम का आयोजन यहां हुआ था, काशी तेलुगु संगम का संगम का आयोजन यहां पर हुआ था। काशी में इससे पहले अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों ने काशी को एक नई पहचान दी, काशी को एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया है। आज दुनिया का हर देश काशी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में काशी की इस पहचान को जोड़ने के लिए तत्पर है, और काशी सचमुच काशी है। और काशी इसलिए काशी है क्योंकि काशी अविनाशी है। काशी को जो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और पहचान दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज उस पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ एक बीमारू राज्य से उभर करके देश की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाया। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती है कि जो राज्य कभी बीमारू था उस राज्य ने आज अपनी एक नई पहचान बनाई है, वह राज्य आज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, वह राज्य सुरक्षा का एक मानक तय कर रहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अगर इसी प्रकार से करता रहेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश अगर इसी पथ पर अग्रसर रह करके विकास का पथ का अनुगमन करेगा तो उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपना स्थान जरूर बनाएगा, और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। 9 वर्षों की इस यात्रा को अलग अलग प्रकार की लाभार्थी पर योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए योजनाएं, इन सब को लेकर के हमें आम जनमानस के बीच में जाना होगा, नौजवानों को बताना होगा, महिलाओं को बताना होगा, किसानों को बताना होगा, व्यापारियों को बताना होगा, श्रमिकों को बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। हर तबके के लोगों के लिए शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि जो कभी नहीं हुआ वह अब हुआ है। और लगातार इन योजनाओं के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तब लोग बार बार इन योजनाओं के बारे में जब जानकारी लेंगे उनको लगेगा कि हाँ चेंज, क्योंकि हम यहां रहते हैं हमारे सामने सारा चेंज हो रहा है, हम आज महसूस करते हैं, और चूंकि एक बदलते हुए प्रवेश में फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर मान लेते हैं कि प्रक्रिया का हिस्सा, प्रक्रिया का हिस्सा ले जो काम 70 वर्षों तक नहीं हुआ वह 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया, और इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर देशवासियों के सामने है कि 9 वर्ष की अभिनव योजना में जो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है, हम सब भी राष्ट्र यज्ञ के इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के इन कार्यक्रमों का अनुसरण कर सके। इस दृष्टि से यह एक टिफिन बैठक प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की, और मुझे प्रसन्नता है, मैं देख रहा हूं हर एक जगह हर विधायकगण, माननीय सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि टिफिन बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमें इसको प्रोत्साहित करना होगा, विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं, मंडल स्तर की बैठकों को भी हमें इसी रूप में प्रोत्साहित करना होगा। मंडल की बैठक हो, आवश्यक नहीं कि रोज हम एक ही जगह बैठक करें, अलग अलग जगह पर बैठक हो, लेकिन हर कार्यकर्ता अगर अपना टिफिन साथ में लेके चलता है तो फिर वहां कोई समस्या नहीं आएगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर अनावश्यक बोझा भी नहीं पड़ेगा, और एक सकारात्मक भाव के साथ हम चर्चा भी कर पाएंगे। आज इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस बैठक को कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करने के लिए
यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के भावनाओं के अनुरूप हम लोग इस क्रम को एक निरंतरता प्रदान करेंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निरंतरता को बनाए रखने में हम सब आगे बढ़ेंगे। काशी प्रदेश का देश का नेतृत्व इस दिशा में करेगा। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।